पता नहीं है सुनैना का डांस क्लास कब खत्म होगा। कल टाइम से आना, आज लेट कर दिया था। मैं तो टाइम पे ही तैयार होती हूँ, यही लेट कर देती है। ये तो अभी भी यहीं पे खड़े। चल नीचे। बाय 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 सुनियो की मम्मी। पड़े हो? ओरे पापा, ये तो जोया के पैर में पापा ही हो गया लगता है। वन मिनट, ये एक और चिट्ठी। क्या कर रहे हो ये सब? जोया जी, इतना प्यार से दे रहा है, वो ले लीजिए, ऐसा नहीं करता। जोया मैं आती हूँ, रुको। हाँ, ये रसगुल्ले को बड़ी चुल है, खुद तो कुछ करती नहीं, दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाती है। फट्टे में तो तुम अड़ा रही हो बाकी उनकी टांग। ये देखो सुमित्र, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर ऐसे हरकतें करोगी, दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाओगी, तो बहुत पछताओगी। पछताओगी तो तुम और वो शशि बहन, कितने मजे आ रहे हैं, मजे ले लो। नहीं, तुमको सुमित्रा के ऊपर जलना है। मैं पॉपुलर हो गई ना, सब मुझे ही पसंद करते हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे ऊपर जलने लगी हो। चलो चलो, जल जल के राख हो जाओ। ये सुमित्रा पीछे नहीं मुड़ के देखेगी। आई जानी, दरवाजा बंद कर दे, उसको पीछे नहीं मुड़ना। ससमा, दीदी आगे हो जाओ, दरवाजा बंद करना है। ए जानी, मेरे घर से मुझे निकल रही है तू। वाह, आपकी सास माँ ने बोला था इसलिए मैं आई। करो करो, अपनी ही मन की करो। इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, क्योंकि ये गलत है। अगर दोनों के बीच में कुछ होना था तो उनकी मर्जी से होना चाहिए था। तुम्हारी मजे के लिए वो दोनों अपना अफेयर क्यों करे? इसको तो बस खुद की मजे चाहिए, दूसरों की फीलिंग के बारे में समझती नहीं। देखो देखो चिट्ठी में क्या है। हे जाने मन, मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। अब तो हद हो गई, सीधा डेट के लिए बोल रहा है मुझे। ओरे बाबा, डेट के लिए पूछ रहा है? हाँ कर दो, पागल हो गए हो शर्वरी। तुमको क्या लगता है मैं किसी के भी साथ डेट पे चले जाऊंगी? शर्वरी माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे इसको रिप्लाई देना ही चाहिए, और अभी मैं खुद इसको रिप्लाई दूंगी। ये देखो, कल की चिट्ठी एक मजाक था, इससे आगे मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही मैं तुम्हारे चिट्ठियों का रिप्लाई दूंगी। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे पास ये सब करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है। जोया, तुम्हारी चिट्ठी का जवाब। लगता है आ गया रिप्लाई। ए बॉडीगार्ड, इधर दे, इधर दे वो। ये लीजिए मैम। बाहर आके लो मजे, अंदर से क्यों ताक झाक कर रही हो? जोया ने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। पहले तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, अभी क्या हो गया? लगता है मुझे मेरी फाइनल चाल खेलनी पड़ेगी। ऐसी खेलूंगी चाल, पूरी सोसाइटी में मच जाएगा बवाल। लगता है मैम आज बिजी है, बाहर नहीं दिख रही। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। सॉरी यार बॉडीगार्ड, आज मुझे बाहर आने में जरा लेट हो गया, तू आके खड़ा हो गया? यस। यहाँ पे क्यों खड़ा है? वहाँ पे जाके खड़ा हो। मैम आपने मुझे रखा है, पैसे आप मुझे दे रही हो, वो नहीं, मैं वहाँ पे क्यों खड़ा रहूँ? मुझे यहीं पे खड़ा रहना है। मैं जितना बोलती हूँ उतना कर, और हाँ, आज तेरे पास एक और काम है। क्या बात है मैम, आज एक और चिट्ठी देनी है? नहीं नहीं, चिट्ठियों का खेल खत्म कर देते हैं, असली खेल शुरू कर देते हैं। असली खेल? ये क्या बोल रहे हो मैम आप? मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा सुन मेरी बात, जैसे ही जोया घर से बाहर निकले है, उसके पीछे 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 तुझे जाना है। व्हाट? ऐसा क्यों मैम, उनको तकलीफ होगी,
मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहता। ऐसे किसी के आगे पीछे करने से इंसान को इरिटेट होता है, और जब इंसान इरिटेट होता है तब उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है मैम। ये देख, मुझे पता चला है कि जोया के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? हाँ, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तू जोया की रक्षा कर। ये क्या बात कर रही हो मैम आप? जोया मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे उसकी काफी चिंता है। तू जा ना उसके साथ, जा उसके साथ ही रह, उसके आसपास ही रह, क्या पता कब कहां से खतरा आ जाए। सबसे बड़ा खतरा तो तू है। कौन बोला? कौन बोला? जा बॉडीगार्ड, जा खड़ा रहे वहां पे। ओके मैम, मैं उनकी रक्षा करूंगा और वहीं पे खड़ा रहूंगा। जैसे वो बाहर आती है उनके पीछे पीछे जाऊंगा, वो जहां पर भी जाए उनके साथ ही रहूंगा। और हाँ, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। उसके पीछे पीछे करेगा, अगर वो बोली मेरा पीछा मत करो, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ने का, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है ना। ठीक है, लिमिट क्रॉस करने की भी एक लिमिट होती है। तुम्हारे अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं बची सुमित्रा, क्या कोई नहीं है सब। शर्मिला, मजे लेना चाहती हो तो लो, अगर नहीं लेना ना दरवाजा बंद कर दो। मैं चिप्स लाती हूँ। देखो देखो सचिव बेन, पर ड्रेस को कोई फर्क? शर्मिला बेन, बेशरम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो उसको जो करना है, बाद में बहुत पछताएगी। पाड़ी हो रही है, पाड़ी हो रही है, मेरे चिप्स की पाड़ी हो रही है। चीप औरत। मेरे होते हुए जोया जी को कुछ नहीं हो सकता। आ गई बाहर, आ गई। छोड़ छोड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। मैंने कल ही आपको मना किया था ना, और चिट्ठी में साफ साफ सब कुछ लिख भी दिया था, पर आप नहीं माने। मैंने कहा इनको चिट्ठी भेजी थी। ये देखिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मैंने कल आपको जो भी बताना था चिट्ठी में बोल दिया है। अब मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे लगा था हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पर आप तो उस काबिल ही नहीं हो। कहाँ चली है नारकल? अगु भाई, कहाँ चली जोया जी? कहीं नहीं, बस ऐसे है। जाया जाया। मैम ने कहा है उनका पीछा नहीं छोड़ना। ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? क्या है, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो आप? आगे चलिए। नहीं जाना मुझे आगे, यहीं पे खड़ी रहूंगी। क्या कर लोगे आप? ठीक है, मैं भी यहीं पे खड़ा रहूंगा। बॉडीगार्ड क्या पीछे पीछे जा रहा है उसके? क्या है ये, बचपना छोड़ दीजिए आप। क्या करूं मैं आपका, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो आप? शशि जी, शर्मिला जी, समझाए ना इनको, क्यों मेरे बार बार पीछे पीछे आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बॉडीगार्ड मत कर वे, अगर उसको पसंद नहीं तो क्यों उसका पीछा कर रहा है? हाँ बॉडीगार्ड, अगर उनको पसंद नहीं तो क्यों कर रहे हैं उनके आगे पीछे? मत सुन दूसरों की, खुद की कार। मत कीजिए ऐसे, चले जाइए नीचे। क्या हुआ जोया, इतने गुस्से में क्यों हो? के पीछे पड़े, आप ही बताओ। शर्वरी, तुमको पता है दो दिनों में क्या क्या हो गया है, और मैंने तुम्हारे सामने कल चिट्ठी लिखी थी और इनको दी थी, फिर भी आज ये सुबह सुबह मेरे दरवाजे के आगे खड़े हो गए। बॉडीगार्ड, कल तुमको जोया ने चिट्ठी दी थी, उसमें साफ साफ मना कर दिया था, ऐसा मत करो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग, पर अगर वो राजी नहीं है तो तुम उसके ऊपर से फोर्स नहीं कर सकते। पर मैंने तो कोई बात मत करो, चुपचाप नीचे जाओ, मैं यहां से नहीं हिलूंगा। अरे बाबा, कैसे बदमाश आदमी हो तुम। क्या हुआ शर्वरी? देखो ना अभिषेक, ये यहां से हिल ही नहीं रहा। इसकी तो आज ये मेरे हाथ से गया। ये अभिषेक, तू अभी कुछ मत बोल, हम निपटा लेते हैं। मैं तो अभी इसी को निपटाऊंगा। कर अपने हीरोगिरी, जहाँ पे करनी है वहां पे करता नहीं, इधर करता है हीरोगिरी। बोल ना अपने दिल की बात उस शर्वरी। तेरी इतनी हिम्मत, रुक तो। चाचा जी, आप जरा दूरी रहिए, उम्र हो गई आपके। क्या रे, मैंने तुझको कल ही मना किया था, मेरी दोस्त को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आज मेरी दोस्त को तकलीफ हो रही है। अब मुझसे बुरा कोई नहीं, तमीज से बात कर। बात क्या,
तेरे ऊपर तो हाथ चलाने चाहिए। अभिषेक, अभिषेक क्या करने गया? तुझे क्या लगा तेरे हाथ चलते हैं मेरे भी चलते हैं और एक नहीं दोनों चलते हैं। शांत बैठे से फाइट मत करो। तेरी इतनी हिम्मत? बाबू शांत हो जाओ। दोनों क्या कर रहे हो? था क्या करूं मैं? सोया बार फाइट हो रही है। शुरा की दादी जल्दी बाहर आई है। What happened, Miss Beautiful? ये देखिए। Hey, why are you fighting? बहुत फुसका। शांत हो जाओ दोनों फुसके। फुसके नंबर वन, फुसके नंबर टू। ए शांत शांत, ये क्यों लड़ रहे हैं क्या? ए शांत बैठो निकम्मो। तो ये डार्लिंग, what happened? शांत ना, बात कर रही हूँ मैं, फुटेज छाने आई हूँ। शांत बैठो जरा। जोया डार्लिंग क्या हुआ? श्रेया की दादी, ये बॉडीगार्ड मेरे पीछे पीछे कर रहा है। और मुझे इसने लव लेटर भी लिखा था। ए बॉडीगार्ड, तूने उसको लव लेटर लिखा मैनर्स लेस? श्रेया की दादी कितनी बुरी हो आप। दोनों का चल रहा है ना प्यार, चलने दीजिए। आपके पेट में क्यों दुख रहा है? खुद ने किया ना लव मैरिज, उनको भी करने दीजिए लव मैरिज। चुप बैठ चुंदरी, संभाल अपनी चुंदरी। बुढ़िया भी ना सुख चैन से चिप्स नहीं खाने देगी मुझे। ससुमा क्या हुआ? आइए मेरे साथ, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ? मैनर से अंदर क्यों लेके जा रही है? जोया जी उसका दिल का हाल समझिए। हाल है दिल मेरा। माफ कीजिए ससुमा, मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई, पर आप ही बताती हो। ये सारा किया धरा सुमित्रा का है। सुमित्रा ये सब कर रही है सोसाइटी में। मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ। क्या किया उसने ऐसा? मेरे हाथ से गई। ससुमा कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ हथियार लाने। ओबे। सुमित्रा, मैंने मेरी सास को सब सच बता दिया है। कैसी दोस्त हो तुम? तुमसे अच्छी तो दुश्मन। मेरी पोल खोल कर दे। ससुमा बहुत गुस्से में है, किचन में गई है कोई हथियार ढूंढने। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, अगर मैंने तुम्हारे साथ सच में दोस्ती की है ना, तो तुम मुझे अभी छुपाओगी। तुम्हें छुपाऊ? हाँ, तुमने ही मुझे फंसाया है। पता नहीं तुम्हारी सास कौन सा हथियार लेके आ रही है। मुझे जल्दी से छुपाओ शर्मिला, मुझे छुपाओ। ठीक है, आओ मेरे साथ जल्दी।